आपने ऑप्शन ए चुना है, यानी कि आपकी एक बीवी माहिरा, तो आपको अपने बच्चे का कत्ल करना पड़ेगा। मेरी अम्मी खान बेगम के रिश्ते भी ना बहुत अजीब थे। अरे मेरा मतलब आप नहीं अरमान भाई, ये खाला लतीफ जरा सी नींद की दवाई क्या दे दी, घोड़े बेच के सो रहे हैं, कोई काम के नहीं है दोनों। अरे अरमान भाई, आपकी बीवी के दवाई का वक्त हो गया, चलिए दीजिए दवाई खिलाइए। अरमान प्लीज नहीं। आपके होने वाले बच्चे को बिल्कुल अफसोस नहीं होगा कि उनके अब्बू ने अपनी मोहब्बत की खातिर उसे कुर्बान कर दिया। उल्टा वो नाश करेगा आप दोनों पे। चलिए दवाई खिलाइए। नहीं अरमान प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। चलिए अरमान नहीं प्लीज। तेरी मेरी जिंदगी में तुमसे ज्यादा कीमती और कुछ नहीं, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। और अगर मैंने तुम्हें खो दिया, मैं अपने आप को जिंदगी भर तक माफ नहीं करूंगा। धोखा देना मैंने तुमसे ही सीखा है। मैंने तुमसे कहा था अमार, तुम चाहे कुछ भी कर लो, हमारे बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ पाओ। गला पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्या पता तुम हाथ छुड़ा कर मुझे मारने की कोशिश करो। मैं क्या चाहती हूँ, तुम मुझे दे नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मैं तुम्हें इस दुनिया से दूँ एक नई दुनिया जो तुम डिजर्व करते। मैं तुम्हें एक जगह भेजना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे लिए
रिहाब में अरेंजमेंट करा। आई एम सो सॉरी। मेंटल असाइलम। नहीं, तुम्हें सब कुछ करना नहीं। मैं तुम्हारी टिकट खत्म करा दूंगा। छोड़ दे। जा, सबको बता दो। ची ची कर बताओ। लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। You know why? Alton. सुनो। कायना तो तुम्हारी नजरें तो बहुत तेज हैं। नहीं, कायना को मैंने हाथों से मारा था। ये सब मेरे पास मेल में पड़ा है। मैं जब चाहूँ जिस वक्त चाहूँ इसे बाहर कर सकती हूँ। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। एक जाता है जेल की तरफ और एक जाता है पागल खाने। मेरे ख्याल से तुम्हें पागल खाने का रास्ता चुनना चाहिए। वो क्या है ना, फिर तो इत्मीनान से बैठकर ये याद करना कि कब तुम्हें मुझसे मोहब्बत हुई थी और कब तुमने मेरी बेइज्जती की थी। और फिर मेरी जानने की कोशिश। फिर जब तुम ठीक हो जाओगे ना, तो मैं तुम्हें लेने आऊंगी। लेकिन तुम्हारे पागल खाने में मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें या हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जानती हूँ आपके होते हुए हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं भी आपसे वादा कर रही हूँ कि हमारे बीच कोई नहीं आएगा आखिरी सांस तक। अरमान, ऐसे बच्चे की बिल्कुल नहीं सुनाई देती। और यूं है। मुझे पता है बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्या है ना, एक बार अगर डॉक्टर बोल देंगे कि आप ठीक है तो अम्मी अम्मी अब्बू को तसल्ली हो जाए। ओके ओके। अरमान क्यों नहीं आया अब तक? मायरा, मैं तुमसे कुछ काम करने के लिए आई हूं। आई आई कुछ नहीं होगा।
अमाग उसको तो भूल ही गया। कहाँ गई जी? उनका इंतकाल हो गया। और आप? कायरा, समीर की फ्रेंड। फ्रेंड या गर्लफ्रेंड, कमाल है, बीवी मर गई और पति ये सब आपके नाम करके पागल खाने में आराम कर रहा है। एक्चुअली मेरी फ्लाइट है, आपको जो बोला जल्दी बोलिए। कहीं जा रही हैं आप? मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ। कैसे जाएंगी? नहीं, मेरा मतलब है कि वहाँ जाने के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए होगा ना? कहीं वो ये तो नहीं? लेकिन इसमें तो नाम कायनात लिखा है, लेकिन अभी अंग्रेजी में आपने क्या बताया था? कायरा। कायरा, कायनात और कायरा, कितना मिलता जुलता नाम है ना जी। आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मेरा पासपोर्ट आपके पास कैसे आया? जिस दिन तुमने समीर को पागल खाने भेजा उसी दिन उसके दोस्त ने ये पासपोर्ट लाकर हमें दिया। इसका मतलब है कि तुमने समीर को धोखा दिया और इस धोखाधड़ी के आरोप में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। सर एक्चुअली मेरे दो दो नाम हैं, प्लीज सर समझने की कोशिश कीजिए सर। अच्छा रुकिए, एक मिनट रुकिए, ये लीजिए सर, मेरी बात समझिए। तुम तो क्राइम पे क्राइम करती जा रही हो, अरेस्ट करो इसे वरना पता नहीं ये क्या क्या करेगी। ले चलो। नहीं नहीं, बात तो समझे। कांग्रेचुलेशंस, बेटी हुई है। कांग्रेचुलेशंस, अब आप उन्हें देख सकते हैं। चलो चलो, अल्लाह मुबारक हो, मुबारक हो, प्यारी है छोटी मुन्नी। ओ माय अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है, आई मीन एकदम मुझ पर गई है। अल्लाह, ये तो है ही छोई मुई। बकवास बंद कर, अपनी आंखें देखो उसकी, मेरी तरफ बोल बोल टुकुर टुकुर देखती है, देख देख देख। ओ खाला प्लीज, इसकी आंखें ना आप पर नहीं गई है और ना ही दिमाग आप पर जाएगा। हाँ, ऊपर से गोल गोल अंदर से खाली। हाँ। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, माँ और बच्चा बिल्कुल ठीक है। मैं तो घर पे डिलीवरी करने के लिए श्योर नहीं थी, लेकिन एवरीथिंग इज परफेक्ट।
थैंक यू सो मच डॉक्टर, मैं आज बहुत खुश हूँ। फैक्ट आज से पहले शायद कभी इतनी खुश नहीं थी। चलो चलो सब लोग चलो यहाँ से, अब इसके मम्मी पापा को अकेला छोड़ देते। चलिए डॉक्टर मैं आपको छोड़ देती हूँ, आइए। अब तो आपकी बेटी भी आ गई है अरमान, अब आप इस घर में आ जाइए। मायरा टेक्निकली हमारा तलाक हो चुका है, हम दोनों एक ही घर में नहीं रह सकते। लेकिन अरमान आप इस बच्चे के अब्बू हैं। मैं जानता हूँ मायरा, लेकिन जब तक निकाह नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ नहीं रह सकता। कोई तो तरीका होगा ना। हाँ है ना, अब जब ये हमारी जिंदगी में आ गई है, इतनी सारी खुशियां लेकर आई है, तो कोई ना कोई रास्ता भी लेकर आएगी। अरे खाला मैं बोल रही हूँ पिंक। नीला। अरे खाला आप समझ नहीं दे रही, लड़कियों के कमरे में पिंक कलर अच्छा लगता है, ब्लू नहीं। ओके नीला। अरे संभालो संभालो खाला, अरे क्या कर रही हो? पैर पैर नीचे करो, हाथ दो हाथ दो। लग गई, कैसे चलती हो? क्या हुआ? लग गई जोर। अरे आ गई आप? आइए आइए, अरे इनसे मिलिए। ये बहुत बहुत वो कोई वो नहीं है। वो कौन? फलों का बादशाह। आम आम। हाँ, ये कोई आम औरत नहीं है। इनके पीछे तो लोगों की लाइन लगी रहती है। मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है ताकि ये हमारी प्यारी सी गुड़िया से मिले, उसे दुआएं दे। अस्सलाम वालेकुम, बैठिए। ये मेरी बेटी है। तेरी बेटी बहुत खास है, मैं महसूस कर सकती हूँ इसके अंदर कोई पुरानी और पाक रूह है। ये कोई मामूली बच्ची नहीं है, इसके ऊपर अल्लाह का करिश्मा है। जी वाकई हमारे लिए तो हमारी बेटी बहुत ही खास है, किसी करिश्मे से कम नहीं है। नहीं तुम समझी नहीं, क्या इसके बदन पर कोई निशान है? यहाँ गर्दन पे है। और ऐसा निशान मेरी पीठ पे भी है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम किस बच्चे की माँ हो, इसमें बहुत ताकत है। अपने करिश्मे से जिंदगी बना सकती है और जख्म को ठीक कर सकती है। रुक मैं दिखाती हूँ, आप यहाँ आइए। ये बहुत ही पाक रूह है, लेकिन याद रहे हर पाक रूह बुरी ताकतों के निशाने पर रहती है, क्योंकि कोई भी शैतान इंसान और इंसानियत के हक में कुछ भी होते हुए नहीं देख सकते। इसके भी कई दुश्मन होंगे, ये हर बुरी ताकतों का वो मुकाबला कर सकेगी। शुक्रिया, मैं चलती हूँ। वो इस दुनिया में आ चुकी है,
जिसका हम इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे, वो निशान वाली लड़की पैदा हो चुकी है। मैं खुद उससे मिलकर आ रही हूँ। उसे मैंने अपने हाथों में उठाया है। अब वो वक्त आ चुका है कि हम अपने हथियारों को तेज कर लें और उस बच्ची को खत्म कर दें।